नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। मैं हूं मोनिका भारती। हम खड़े हैं बरेली के माधोबाड़ी में और हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। माधोबाड़ी के इस क्षेत्र के काफ़ी लोग मौजूद हैं यहां के अधिकतर, और उन लोगों का कहना है कि हमें यहां पर बहुत समस्याएं होती हैं। यहां पर पानी की समस्या है, यहां पर कूड़े की समस्या है, जगह जगह पर कूड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ पर कूड़े का ऐसा ढेर लगा हुआ है, वहाँ से इतनी स्मेल आती है। और जैसे सभी को पता है गर्मी का मौसम है और ये लोग अगर बाहर निकल कर बैठना भी चाहते हैं थोड़ी देर के लिए तो वो भी नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्मेल आ रही है। ये जगह इतनी गंदी हो रखी है यहाँ पर और कई जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो आइए बाकी हम इन्हीं से जानते हैं इन लोगों की क्या समस्याएं हैं। जी, पहली बात तो ये समस्या है, यहाँ एक तो पानी की व्यवस्था बहुत पैसी है, यहाँ हफ्ते भर पानी नहीं आता है, पानी भी आता है गंदा आता है, और यहाँ कोई नल की व्यवस्था नहीं। सामने मंदिर है, वहाँ लोग पूजा करने जाते हैं तो सबके घरों में जाते हैं पानी लेके लोटे में, कोई आदमी कैसे बैठा है, कोई कैसे बैठा है, ठीक है। नालियाँ साफ़ नहीं होती, नालियाँ भरी हुई हैं, दुनिया भर की गंदगी, कूड़ा नहीं उठता है, यही समस्या है। और डिप बंद रहता है, हर बे दर पे भर जाता है, मंदिर के सामने है। बाकी ये बताएंगे आपको, मेरी जो समस्या थी मैंने बता दी। आइए जानते हैं, जैसे महिलाएं हमारे घर की जैसे गृहिणी होती हैं, घर में सारा काम करती हैं, सभी काम करती हैं, अधिकतर रसोई का काम तो बिना पानी के हो ही नहीं सकता है। जैसे उन्होंने बताया है कि पानी की भी समस्या है यहाँ पे, तो आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि किस तरह से ये बिना पानी के काम चलाती हैं। पानी में बहुत बदबू आती है, गंदा पानी आता है बहुत, और यहाँ जो सीवर लाइन वगैरह पड़नी चाहिए, हमारी तरफ सीवर लाइन में समस्या, सीवर लाइन सबसे ज्यादा समस्या आगे है, पानी की जगह पड़ी है, ये पूरा कूड़ा पड़े रहता है, सब पूरा किसी की जगह पड़ी है, और यहाँ लोग फिर और कूड़ा डाल जाते हैं, सब यहीं कूड़ा पड़ता है, और कोई डाल जाते हैं। यहाँ चार सूअर डाल के गए उस दिन, यहाँ पे बहुत गंदी बदबू आती है। यहाँ पे सभासद वगैरह लगते होंगे आपके? सभासद को तो हमने तो आज तक देखा ही नहीं, इलेक्शन वाले दिन देखा था जब वोट मांगना था उनको, उसके बाद तो सकल ही नहीं देखी उनकी, मतलब वोट मांगने आए थे तब से अभी तक कोई कोई सकल ही नहीं देखी है, उनके चेलों की सकल नहीं देखी, वो तो बहुत दूर की बात है। हम लोग इकट्ठे होकर गए थे, हम लोग उनके पास इकट्ठे होके गए कि हम लोगों को इतनी परेशानी है सीवर लाइन की, कोई सीवर लाइन नहीं बनी, कोई कोई नहीं आया इधर। जी, क्या नाम है आपके यहाँ के सभासद का? हरनाम सिंह। हरनाम सिंह, तो जैसे इन्होंने बताया कि इनके सभासद ने अभी तक यहाँ पर एक भी चक्कर नहीं लगाया, ये लोगों ने देखा तक नहीं है उन्हें कि, और जैसे आप लोग गए थे वहाँ पे शिकायत लेकर तो क्या कहा गया? एप्लीकेशन लेके गए थे, एप्लीकेशन लेके गए थे, मतलब उन्हें बताया था कि बहुत प्रॉब्लम है, पानी गंदा आ रहा है हमारे यहाँ घरों पर, कहाँ से पानी वानी पिए, प्रॉब्लम किसी के घर नल लगाए, किसी के घर नहीं लगाए, तो वो कह रहे कि हो जाएगा, आज तक हुआ ही नहीं है। और हमने कहा लाइन पे इतना गोबर डालने लोग आते हैं तो कह रहे लाइन से हमारा कोई मतलब नहीं, आपकी गली से मतलब है, तो गली में कभी झाड़ू लग जाती है कभी नहीं लगती है, और कोई झाड़ू लगाने वाला या फिर कोई कूड़ा उठाने वाला है, नाली साफ करने वाला कोई कोई आता ही नहीं कहीं से। बहुत कम, देखिए आप कूड़ा कितना, ये देखिए आप पीछे देख लीजिए, बहुत कम आते हैं, यहाँ पे दिखाइए वीडियो। जैसे कि यहाँ पर पानी नहीं आता है, कुछ लोगों के यहाँ नल भी नहीं लगे, तो आप लोग अपने घर का काम कैसे चलाते हैं? तो इस तरह से कब तक काम चलेगा, क्या लगता है इस तरह से कब तक काम चलेगा? वो तो सही होना चाहिए। तो आगे आप लोगों ने क्या सोचा है कि फिर से आप सभासद के पास जाएंगे या आपने कोई प्रार्थना पत्र या शिकायती पत्र? हाँ, जाना ही पड़ेगा, अगर समस्या हमारी हल नहीं हुई तो, अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर दोबारा हम लोग जाएंगे, उसके बाद में फिर तीसरा के जाएंगे, फिर क्या करेगा, अगर हो जाएगी तो इससे बढ़िया क्या बात है। हम भी साफ सफाई में रहना चाहते हैं जैसे लोग रह रहे हैं, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी नहीं हो, बस यही समस्या है हमारी, हो कोई समस्या नहीं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रोहतास कुमार गोयल है। जैसे कि आपके क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं और आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? इनकी समस्या सही है कि गरीब आदमी को कोई सुनता नहीं है, बड़े आदमी का हर बिल्डिंग भी रुक जाएगी, सब काम हो जाएगा, हैं सभासद भी आ जाएंगे, हैं तुम्हारे संतोष गंगवार भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, छोटा वाला कोई तो उसकी वो तो वो है कि तुम्हारे सड़क का कीड़ा मकोड़ा, कोई कूड़ा डालता है वो कहता सरकारी जगह तुम्हारे बाप की जगह, तुम तो रोक मिले रोक लो। संजय नगर का गोबर यहाँ आगे पड़ लिया, पूरा गोबर है। इस पूरे मामले की और अधिक जानकारी के लिए हमने माधोबाड़ी के सभासद हरनाम सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।